हेलो बच्चों, कैसे हो? चलिए आप देखते हैं आज का वीडियो। टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। तो दो टाइप के रिएजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो पहला देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है ना? तो देखो अभी डेफिनेशन क्या होना चाहिए। द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सबस्ट्रेट। ऐसी स्पीसीज जो क्या कर रहा है, दूसरे सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। उसको इलेक्ट्रोफाइल्स भी क्यों बोलते हैं? देखो अब ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करने वाली स्पीसीज। तो वो रहेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन रिच। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच पर अटैक कर रहा है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। और इलेक्ट्रोफाइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई लेटर से, ई प्लस, ये देख लीजिए। उसको हम लेविस एसिड बोलेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज लेविस एसिड ही होगी। दे अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। देखो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे ही अटैक कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स आर आइदर कैटायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। जैसे अब देखो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स और दूसरा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। पॉजिटिव में पॉजिटिव चार्ज आएंगे सारे, कार्बन प्लस, एच प्लस, एनओ टू प्लस, सी एल प्लस, बी आर प्लस। और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स में AlCl3, BeCl2, ZnCl2, BF3। तो इसमें न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स का ज़रा ध्यान देना है कि सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, उसके पास डी ऑर्बिटल वैकेंट होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन, उसके पास मल्टीपल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोफाइल्स होगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का। मैंने तीन कंडीशन बताइए, फिर से बताता हूँ। सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ठीक है ना? इनकम्प्लीट मतलब भी कैसा होगा, इनकम्प्लीट में मान लो ये बी, मतलब यहाँ पे लिया हमने BF3, देख लीजिए BF3, बोरॉन ट्राई फ्लोराइड। तो ये क्रॉस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के डॉट इलेक्ट्रॉन बोरॉन का, तो आप देखो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 2, 6। तो ऐसा सेंटर एटम का अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मतलब लेस देन 8 है, तो वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में जाएगा। दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पर, दूसरा आप क्या करेंगे, इसके पास डी ऑर्बिटल, जैसे कि PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर आप देखते हैं फॉस्फोरस का, तो क्या होता है, 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p3, इसमें डी ऑर्बिटल वैकेंट है, 3d0, देख लीजिए। और ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड होनी चाहिए। जैसे देखो हमने बोला कार्बन डाइऑक्साइड, तो C डबल बॉन्ड O, ऐसे स्पीस। तीन पहली कंडीशन यहाँ लिखी है मैंने, दूसरी मैंने यहाँ लिखी है न्यूट्रल की, और तीसरी यहाँ लिखी है, ठीक है ना? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके अब देखते हैं सेकेंड, न्यूक्लियोफाइल्स, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, मतलब ये होता है न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, ठीक है ना? तो अब इसका डेफिनेशन ऑपोजिट कर दो उसकी। द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सबस्ट्रेट आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स। ये डोनेट करेगा, जैसे आप देखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करने स्पीसीज, तो वो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो उसका उल्टा हो जाएगा सब कुछ, तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय NU, न्यूक्लियोफाइल को NU, इलेक्ट्रोफाइल को ई प्लस, NU माइनस। दे आर लेविस बेसिस, इलेक्ट्रॉन रिच तो लेविस बेसिस। तो दे अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा। उसके फिर न्यूक्लियोफाइल्स आर आइदर अनायन, नेगेटिव चार्ज होगा, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें लोन पेयर होना चाहिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल, नहीं तो अनायन होगी। जैसे नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स बोला, तो इसमें देखो एच माइनस हाइड्राइडाइन, कार्बन माइनस, साइनाइड माइनस, हाइड्रोक्साइड माइनस, ब्रोमाइड भी माइनस है, क्लोरीन भी माइनस है, ऐसा माइनस चार्ज। और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स में क्या आएगा, अमोनिया, कोई भी ले सकते हैं। इसमें सेंटर आइटम जो रहेगा उसके लोन पेयर, जैसे नाइट्रोजन ऐसे लोन पेयर, और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सेंटर पर रहेगा इसके अंदर। याद रखने का तरीका याद रखना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सेंटर आइटम होगा, देख लीजिए ये देखो नाइट्रोजन सेंटर में है, इसमें ऑक्सीजन है तो इसके दो लोन पेयर, इसमें देखो ऑक्सीजन है, दो लोन पेयर ऐसे आएंगे, कहता हूँ लोन पेयर स्पीसी वो। लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन में एक लोन पेयर, ऑक्सीजन दो लोन पेयर, ये सेंटर में होने चाहिए, ठीक है ना? इसका कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल का थोड़ा सा प्रॉब्लम है ज़रा, ठीक है? तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इस पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके अब देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। ऐसा इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ लिए तो बहुत इजी है, या तो डेफिनेशन में क्वेश्चन आएगा और कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं नहीं, इस पर सबको पेशा में आ जाते हैं इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल्स। देखो विच इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट,
तो H2O इसका लोन पेयर है, तो ये तो हो नहीं सकता सेंट एटम। SO3 इसमें मल्टीपल बॉन्ड है, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, इसका मतलब ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल। अमोनिया नहीं होगा क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है सेंट एटम में। ईथर नहीं होगा क्योंकि सेंट एटम के दो लोन पेयर, ये न्यूक्लियोफाइल्स, लोन पेयर स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये आंसर हो गया। अब द इलेक्ट्रोफाइल्स आर, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इसमें दिया है लेविस बेसिस, लेविस एसिड्स, एम्फोटेरिक, इलेक्ट्रॉन रिच। तो हम कौन है, लेविस एसिड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है इलेक्ट्रोफाइल्स। फिर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल। होमोलाइटिक रीजन नहीं है, हेटरोलाइटिक नहीं है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है। सिंपल है क्वेश्चन, देखो कितना ईजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेविस एसिड, लेविस एसिड में तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो नहीं है ये नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि इसके से लोन पेयर। ये सेंट एटम, इसका जो सेंट एटम है बोरॉन, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट। इसमें बेरिलियम सेंट एटम, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट। एल्यूमिनियम सेंट एटम, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट। फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डेफिशिएंट रिएजेंट्स विच अट्रैक्ट द नेगेटिवली चार्ज कार्बन, नेगेटिव चार्ज आने को अट्रैक्ट कर रहा है तो कॉल्ड एस। नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट विच अट्रैक्ट, तो मतलब वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट है विच अट्रैक्ट द नेगेटिवली चार्ज कार्बन आयन, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच को अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या बोल रहा है उसने, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स हो गया। ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। देर आर फोर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो उसमें से दो मैंने अभी लिखा है यहाँ पर। तो पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेस करना एक आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम दूसरे आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम को। तो सिंपल है, द रिएक्शन इन विच एन अटैकिंग स्पीसीज, तो क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकता है या फिर फ्री रेडिकल्स। रिप्लेस अनदर आइटम और ग्रुप इन सबस्टेट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रहा है। से एग्जाम्पल लिया, मीथेन को रिएक्ट किया क्लोरीन को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्लोरीन मतलब क्लोरो, उसमें क्लोरीन फ्री रेडिकल इस H को रिप्लेस करेगा और ये H यहाँ पर आ जाएगा, तो बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड और HCl। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो एग्जाम्पल है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का है। ऐसे आप इलेक्ट्रोफाइल यूज़ कर सकते हैं तो उसको लेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऐसे आप न्यूक्लियोफाइल यूज़ कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, सिंपल है। फिर एडिशन रिएक्शन, ये सिर्फ डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स में होता है, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। तो इसमें क्या होता है, टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। जैसे देखो, द रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एन एडिशन रिएक्शन। जैसे देखो, हमने इथिन लिया, उसको क्लोरीन से रिएक्ट किया, तो क्लोरीन अक्रॉस डबल बॉन्ड ऐड हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो बनेगा आपका इथाइलिन डाइक्लोराइड। सिंपल है ना, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोगों ने 12th में पढ़ा हुआ है। द रिएक्शन इन विच कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इंटू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बाय रिमूविंग एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमको क्या करना है, देखो अभी ये फंक्शन ग्रुप से अटैच है अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से अटैच है बीटा हाइड्रोजन। तो हम क्या करें, एडजेसेंट कार्बन एटम्स से एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम को निकालना है। देखो, हमने यहाँ से एच और सी एल निकाल दिया, देखो एडजेसेंट कार्बन एटम्स से, तो एच सी एल बाहर आ गया। तो ये एक्चुअल देखा जाता है डी हाइड्रोहेलोजिनेशन हो गया, मतलब एलिमिनेशन तीन टाइप की होती है, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन हो सकता है, डी हाइड्रेशन हो सकता है और डी हेलोजिनेशन हो सकता है, उसमें से एक इसमें दिया हुआ है। तो अब ये निकल गया, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, बन गया अल्किन और वाटर बाहर। ठीक है, फिर रीअरेंजमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच आइदर कार्बन स्केलेटन मतलब कार्बन चेन और फंक्शन ग्रुप और बोथ आर मॉडिफाइड, या तो आप कार्बन चेन को मॉडिफाइड करेंगे या फिर फंक्शन करेंगे या फिर दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, यहाँ पे लिया हमने आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, उसको रीअरेंज करके एसिडिक मीडियम में रीअरेंज करके हमने क्या बनाया, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर सिर्फ कार्बन स्केलेटन में ही चेंज हुआ है बस, मतलब कार्बन चेन में, फंक्शन ग्रुप वैसे ही है। वैसे फिर आप फंक्शन ग्रुप में कर सकते हैं, वैसे आप क्या कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसमें मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको मैं। ओके, अब देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन, इसमें होना चाहिए एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसमें से मुझे देख रहा अल्किन तो नहीं है, अल्किन है
अल्काइलाइट सैचुरेटेड, साइक्लोहेक्सेन भी सैचुरेटेड, मतलब अल्कीन आंसर इसका, ये हो गया अल्कीन। फिर रिएक्शन दिया है मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ अमोनिया टू फॉर्म मिथाइल अमाइन और एच बी आर, इसका मतलब इसका एन एच टू इस बी आर को रिप्लेस कर रहा है, मतलब दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन नहीं, एलिमिनेशन नहीं, रीअरेंजमेंट नहीं है। अच्छा डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है ना, डिहाइड्रो और डिहाइड्रो हेलोजिनेशन है हुआ वो, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज, तो उसमें क्या होगा, एलिमिनेशन हो रहा है अल्फा कार्बन से हेलोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मॉडिफिकेशन ऑफ कार्बन स्केलेटन टेक्स प्लेस, ऑब्वियसली रीअरेंजमेंट होना चाहिए, इसका सी आंसर, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एडिशन नहीं होगा, ठीक है ना। और दोबारा एक मिनट, सब्स्टिट्यूशन तो डालता हूँ एलिमिनेशन, तो देख लीजिए ये आप हो गया ऑप्शन बराबर आपका, ठीक है, रीअरेंजमेंट सिंपल है। तो इतना कर लीजिए, अब ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट मैंने पार्ट सब डिस्कस कर लिए हैं, अब मैं नेक्स्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन लेने वाला हूँ नेक्स्ट इसमें, ठीक है ना। चलिए तब तक इसको प्रिपेयर कर लीजिए।